मारे, मारते उनके पीछे उनके चमचे पूरे मेरे आंख पे गिरे या मेरे चेहरे पे। एमएलए साहब, मैं नीचे झुका, उनके हाथ में अंगूठी थी, निकल पंच था नहीं मालूम। एमएलए साहब मारे मेरे को यहाँ पे, पूरे लोग मिलके मारे। फिर मैं घर में घुस रहा था तो वो घर में से खींच के लाके फिर मारे। फिर मैं बाजू के घर में से दीवार कूद के चले गया। फिर मेरे साथ बच्चा रहता, मेरा वीडियोग्राफर है, वो बच्चे को मारे, उसका मोबाइल खींच लिए और मेरा बैग और फिरोज खान साहब की बुक, रिकॉर्ड बुक, तीनों चीज़ें खींच लिए लोग। आज 110 गरीबों के साथ इंसाफ होता था, वो गरीबों को फ़ायदा होता था, वो फ़ायदा होने नहीं दिए जाफर से मेराज साहब। मैं आज इंसाफ मांगने आया हूँ। मेरे साथ आज फिरोज खान साहब खड़े हुए हैं, उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग मेरे पास आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हकदार को हक नहीं मिला। आप बोले घर अगर से पूरी तरीके से खराब हो गया तो आप 1,00,000 देते, पार्शल थोड़ा बहुत खराब हुआ तो 50,000 देते। मेरे को आप एक बताइए, आप किसके घर को पैसे दिए, आप कौन से हकदार को पैसे दिए? तो रही बात कांग्रेस पार्टी और फिरोज खान और फिरोज खान की टीम, जब तक ये गरीब आवाम को हक नहीं दिलाएंगे हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। और आज हम आए हैं हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन और जाफर हुसैन मेराज एमएलए नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी और अदर्स पे हम केसा बुक कराएं और FIR इशू हो चुका है 235 ऑफ 2020। और इसके अंदर सेक्शंस है 324, 506 और 149 IPC। और रही बात, मेरे को इत्तला मिली कि बस्ती में ये लोग औरतों को भी ढक ले। कल मैं वो औरतों को भी यहाँ पुलिस स्टेशन में प्रोड्यूस करूँगा। एंड और एक चीज़, अगर से सेम काम फिरोज खान करते, खाली ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मैं चले जाता तो ये लोग म्यूनसिपल ऑफिसरों से कंप्लेंट दिलाते मेरे ऊपर कि मैं आके दादागिरी करा या पुलिस वालों को ढकल दिया, बोल के पुलिस वालों से कंप्लेंट दिलाते कि मैं उनको गालियाँ दिया और मेरे ऊपर नॉन अवेलेबल सेक्शन 353 बुक हो जाता। आज देखिए आर्टिकल 14 ये बोलता, कानून सबको एक है, नोबडी इज अबव लॉ। और एक कानून एमआईएम पार्टी को, एक कानून फिरोज खान और फिरोज खान की टीम को। आज तक अगर से ये हरकत हमारे से होती, अब तक पूरे म्यूनसिपल ऑफिसरों को बुला के कैसा हमारे को बुक करा के अब तक बिठा के हमारे मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस कर देते थे, नॉन अवेलेबल जाओ रे भाई चंचल गुड़ा बोल के भेजा देते थे। और आज जब हम पुलिस वालों को आके बोल रहे हैं, पा बेचारे पुलिस वाले बहुत अच्छे मगर KCR के तोते हैं, और KCR का चेला कौन है? असदुद्दीन ओवैसी एंड उसका पट्ठा जाफर। तो पुलिस वाले आगे पीछे हो रहे थे और मैं पुलिस वालों को वार्निंग दिया, अगर से आप ये केस नहीं बुक करेंगे मैं हंगामा कर दूंगा, यहाँ पे बैठ जाऊंगा, यहाँ से जाऊंगा नहीं। उसके बाद में बड़े बड़े ऑफिसरों से बात करके ये केस बुक करे। और रही बात आवाम को पैसे दिलाने की बात, जो मैं लास्ट टाइम म्यूनसिपल ऑफिस में बोल चुका हूँ और आज फिर से कमिश्नर से मेरी बात हुई और कमिश्नर मेरे को वादा करे कल शाम तक जो भी हकदार हैं हम उनको पैसा देंगे। और मैं फिर से उनको बोल दिया और वार्निंग दे दिया, अगर से कल शाम तक अगर से एक भी हकदार बाकी है तो मैं उसको ले लेके प्रगति भवन चीफ मिनिस्टर के घर में घुस जाने वाला हूँ। तो अब KTR और म्यूनसिपल कमिश्नर, मेहरबानी करके गरीब कमज़ोर को आपका हक दो। TVOM के ऊपर बकवा न को करो, प्रेस में बहुत बकवा करते तुम लगा मगर ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी नहीं करते। बट्टेबाजी छोड़ो, नंगेपने छोड़ो, गरीब को और कमज़ोर को इंसाफ करो। जय हिंद, जय कांग्रेस।